स्पष्टता है, पिछली बार 4.2 MQI पर लाइसेंस जारी किए थे, इस बार भी 4.2 पर किए हैं, मगर 4.2 से नीचे 3.7 जिन लोगों का मार्जिन एवरेज आया है, ऐसे किसान भाइयों को 5 आरी अफीम की खेती करने का अधिकार दिया है। ये अफीम की खेती अलग पद्धति है जिसमें चीरा नहीं लगाया जाएगा, मगर ऐसे सभी किसानों का मार्जिन एवरेज देखा जाएगा। और मैं इस विषय को लेकर बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि लगभग 95% से अधिक किसान भाई इसमें इस पॉलिसी के अंदर समाहित हो चुके हैं, और जो किसान भाई रह गए, जो 19-20 में भी रहे थे और इस वर्ष भी रहे, उनको भी एक सुविधा दी है कि अपने 5 साल का एवरेज अगर वो मिला लेते हैं और वो 5 साल का एवरेज 4.2 आ जाता है तो उन्हें भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पार्ट बना लिया जाएगा। पिछले वर्ष के किसानों को जोड़ना और इस वर्ष के किसानों को जोड़ने से मैं समझता हूँ कि CPS पद्धति में लगभग 8 से 10 हज़ार किसान भाई अपने लाइसेंस को बचा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। और इसीलिए प्रसन्नता है सबके इसमें कि पिछले साल की तुलना में इस बार 10 आरी के पट्टे भी ज़्यादा मिले हैं, और किसान भाई जो पिछली बार 4.2 से नीचे के लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, ऐसे किसान भाई भी 3.7 से आकर जुड़ जाएंगे, और 19-20 और 20-21 के किसान अपने 5 सालाना एवरेज को मिलाएंगे तो जिनका 3.7 से कम भी आया है और अगर उनका 5 सालाना एवरेज बैठता है तो ऐसे किसान भी खेती के लिए पात्र होंगे। NDPS एक्ट में जो लोग 31 जुलाई तक दोषमुक्त हो गए, बरी हो गए, ऐसे किसान भाई भी लाइसेंस के पार्ट बन पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वर्ष की एक बेहतरीन योजना है। जिन किसान भाइयों ने इसके अलावा भी मुझे जो विषय बताए हैं उन विषयों को लेकर भी मैं भारत सरकार के संपर्क में। तो इससे क्या रकबा और किसान दोनों बढ़ेंगे? इस बार तो संख्या बढ़ी है, रकबा रकबा भी बढ़ा।